my channel to all those who don't know me. Hi, my name is Khushbu and you're watching Khushbu Does Everything. If you are new to my channel, hit that subscribe button and welcome to the family. So finally वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं घर जा रही हूँ. जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ उसके बाद आज मैं फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही हूँ एंड आई फील सो गुड, सो 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 गुड. क्योंकि लिटरली जब मैं जलंधर रहती थी तब मुझे घर की इतनी याद नहीं आती थी बिकॉज घर वॉज वेरी पास. बट यहाँ पे रह के मुझे लिटरली होम सिकनेस फील होती है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो होम. बट घर जाने से पहले भी कॉलेज जाना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट टू गो क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है वो घर जा चुके हैं, मेरे रूममेट्स घर जा चुके हैं और कल से इतनी मनहूसियत है ना यहाँ पे दैट आई कांट इवन टेल. आई कैन नॉट वेट फॉर इवनिंग. मेरी ट्रेन रात को 10:30 बजे की है. सो अभी मैं जाती हूँ कॉलेज एंड फिर जाएंगे घर. मैंने तो पैकिंग भी कर ली है भाई परसों की. सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. दिवाली गाइस, दिवाली वाइब्स एवरीवेयर, दिवाली वाइब्स. ये सब देख के तो और वेट नहीं हो रहा है मुझसे घर जाने का. कैसे कटेगा टाइम? इट्स नॉट दैट कि मेरे को यहाँ की याद नहीं आएगी. मेरा पता क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ हूँ तो मुझे घर जाना है, जब मैं घर जाऊँगी तो मुझे यहाँ आना है बिकॉज ऑब्वियसली मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है. बट आई कैनॉट बी एट टू प्लेसेज एट द सेम टाइम. क्यों भाई डोरेमोन, मुझे एनीवेयर डोर चाहिए. बच्चा सोच रहा है कि पागल है क्या. हाँ बेटा. तो हम आ चुके हैं कॉलेज एंड इतने सारे बच्चे आए हैं कि आपको क्या ही बताऊं. देखो कितने बच्चे हैं, हम लिटरली क्लास में 4 लोग हैं. ऐसे ही मन नहीं करता भाई पढ़ने का, अब तो और नहीं करेगा. छुट्टी कर दो यार प्लीज. I am being so over dramatic. मैं जा रही हूँ पढ़ने. बाय. क्लास में बच्चे की इसमें मजा आ रही है. पांचवे सेशन जाएंगे मैडम, ये निकली कोई मेरा अपने. मैं जा रही हूँ दिल्ली. ओके बाय बाय. हैप्पी दिवाली. क्लास में बच्चे नहीं थे इसलिए मैं जा रही हूँ अपने रूम वापस. आगे पता नहीं क्या करूँगी भाई. सो देर इज अ चेंज इन प्लान. पहले मैं सारी क्लासेस लगाकर रात को दिल्ली जाने वाली थी बट मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है क्लास में. दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. सब घर जा रहे हैं भाई, सब घर जा रहे हैं. 2 घंटे कश्मकश करने के बाद ये देखो स्नैपचैट इनका पहले शुरू हो जाता है. आता ही खाना मिल रहा है भाई हमको. कोल्ड ड्रिंक ले आ. पी लूंगी भाई कुछ, मैं पी लूंगी तो दे. ये क्या है? तू खोल ना पहले उसको फिर बोलना. और भी है लग गया. कितना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक दिया भाई ने. गरीब आदमी यार. और भी ना हम भी पियेंगे क्या? मार मार मार. ये देखो यार. तो स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में. यहाँ पे एक युवक युवती को मारता हुआ दिख रहा है. ऐसे ही किया जाता है औरतों पे जोश. आओ फॉलो इसको. ओह माय गॉड, ये कितने सुंदर है यार. ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं. इसको खोलना. इसको खा सकते ऊपर जो आटा. हाँ, आटा नहीं रोटी होती है. वाओ भाई हम इतनी खा जाएंगे. हमें खा अभी तो बिरयानी खाई है, अभी कुरकुरे खा रहे. कुछ दिन धर्म है तुम्हारा? दिखाओ दिखाओ. डोंट अनसब्सक्राइब प्लीज. ऑल दिस फॉर 166 रुपीज. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग बिल भी दे सकते हो. देखो वो 170 रुपीज. इसको कहाँ वेट हो रहा है, कहाँ वेट हो रहा है तेरे को भूखा आदमी. भाई अभी इतना खा के हटे हो बेशर्मो. कुछ नहीं खाया. दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग पता क्या? सॉल्टी खाने के बाद मीठा खाना. और मेरे को नींद आ रही है इतनी. भाई साहब वाओ. देन आई कंप्लेन अबाउट नॉट लूजिंग वेट बट व्हाट एवर. बनाई है भाई लोगों ने दुनिया में खाने के लिए. बिरयानी, पिज्जा, चोकोलावा पैस किया, पैनकेक्स और आइसक्रीम. पैनकेक्स तो नहीं आंगन आने दे हमने.
बस अब हम कुछ नहीं खाएंगे पक्का। Two hours later. बहुत ज्यादा लेट हो चुका है मेरे को, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं एंड अब भी 5 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। बहुत ट्रैफिक है, मेरी ट्रेन छूट ना जाए। It was at this moment that she knew she fucked up. So we have finally reached and I'm so happy that I've reached home. कल जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है उसके बाद मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। सो हुआ क्या, टाइम था 10:16 और मैं अभी स्टेशन से 1 किलोमीटर पीछे थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी पर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं पहुंच पाऊंगी। और कोई 300 मीटर पे ना राइट लेकर स्टेशन था, कोई मतलब 1 किलोमीटर था ओवरऑल बट 300 मीटर से राइट लेना था, तो राइट हम ले लेते तो हम पहुंच जाते बट वो राइट लेने में ही ना बहुत टाइम लग रहा था। लाइक 10:06 पे हम वहां पे थे और 10:16 हो चुके थे एंड हम वो 300 मीटर कवर नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद मैं उठ रही हूँ ऑटो से एंड आई स्टार्टेड रनिंग, लिटरली रनिंग, और मेरे साथ 2 अंकल साथ भाग रहे हैं कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ, और मैं उनको अंकल मेरी ट्रेन है 4 मिनट में। आई वॉज अबाउट टू क्राई, लिटरली अबाउट टू क्राई। वो मेरे साथ साथ भाग रहे हैं, उन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया जब तक, और उसके बाद वो गाड़ी वाड़ी रोक रहे हैं वहां पे कि इनको निकलने दो इसके निकलने दो। पता नहीं कितने लोगों को मैंने सूटकेस मारा है, कहां कहां मेरे को लगी है एंड हम आगे भाग रही। कोई 300-400 मीटर तो मैंने भाग लिया, उसके बाद मुझे एक भैया दिखे। मैं कहा भैया मेरी ट्रेन है 2 मिनट के बाद, 10:18 हो रहे थे मुझे स्टेशन पहुंचा। भैया ने सूटकेस उठाया आगे रखा स्कूटी पे, मेरे को बिठाया और जो स्कूटी भगाई है लिटरली 1 मिनट में हम पहुंचे हैं। 10:19 हो रहे थे, हमने चेक पोस्ट में सामान फेंक कर आगे गए और द बेस्ट पार्ट इज वो भैया मेरे साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए हैं। उन्होंने कहा कि सूटकेस उठा के तुम भाग नहीं पाओगी, उनने सूटकेस उठाया एंड लिटरली रनिंग। 10:20 हो चुके हैं, 21 मिनट हो चुके हैं और मेरी ट्रेन थी 10:20 की, तो 10:21 हो गए हैं एंड हम भाग रहे। टीटीवी कह रहे जल्दी भागो। भाग तो रहे थे बट फाइनली 10:22 में हम ट्रेन में चढ़ ही गए एंड ट्रेन लाइक 2-4 मिनट लेट गई है। लाइक उसका टाइम था 10:20 का और वो 10:24 पे गई है। उसके बाद जो मुझे शिवरिंग हो रही थी आई कांट इवन एक्सप्लेन भाई, मैं रोना नहीं कर रहा था, मेरी शक्ल पे दिख रहा था। मेरे को रोड में जब मैं भाग रही थी ना, जब ट्रैफिक लगा हुआ था, सब बोल रहे थे डोंट पैनिक आप पहुंच जाओगे। पहुंच गए घर, ओ गॉड, पहुंच गए हैं हम घर। सलाम साहब, राम राम, क्या हाल है? नींद ही है फिलहाल तो। क्यों दुरंतो में सोई थी तो? हाँ दुरंतो में नींद उड़ा दी थी रात को। तो वो दुरंतो में नहीं, तूने उड़ाई थी। और मौसी गुड मॉर्निंग। भाई अपने बेड पे जो सुकून मिल रहा है ना, क्या मस्त गत्ता है, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट, क्या सेव हो रही भाई, कंबल में अपने आप आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू रूरू। तो या तो मैं सो जाऊंगी या तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, पता नहीं क्या करूंगी। इट हैज बीन अ मंथ मैंने एग्स नहीं खाए हैं, मैं चिकन खा रही थी बट मैं अंडे नहीं खा पा रही थी फॉर सम रीजन एंड मैं भी घर पे आई हूँ एंड मम्मी ने मेरे ऑमलेट बनाया ना, सो हैप्पी, अंडा खाऊंगी। मैंने बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाए हैं वहां जाकर, तो मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय
और आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देख ही ली है, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। टिल देन बाय।